बीजेपी में ही हर एक आम कार्यकर्ता का होता है। सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जैसा ही चौकन्ना चौकीदार कर सकता है देश की सेवा। बीजेपी के टुंडला विधानसभा क्षेत्र से विस्तारक के तौर पर काम कर रहे हैं तेजवीर सिंह ने। खबर है तो देखिएगी न्यूज चैनल के माध्यम से कही अपनी बात और कहा कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें हर एक कार्यकर्ता का सम्मान है। पार्टी के लिए सर्वोपरि है बीजेपी ने जिस तरह आम कार्यकर्ताओं को फरीदाबाद में टिकट दिया है उससे यह साबित होता है कि दूसरी ओर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा चौकन्ना चौकीदार ही देश की असली सेवा कर सकता है और 2019 में बीजेपी 2014 से भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। तेजवीर सिंह पिछले 6 महीने से बीजेपी के लिए टुंडला की और विधानसभा से विस्तार पूर्वक तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बीजेपी ने आम आदमी के कार्यकर्ता को टिकट दिया, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन था सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता था, आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर जी एक ऐसे कार्यकर्ता थे जो भारतीय जनता पार्टी के उस समय के कार्यकर्ता हैं, चाहे पार्टी मुसीबत में हो चाहे एक अच्छे समय की पार्टी हो। पार्टी के साथ हर समय कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले चंद्रसेन जी एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में उभरे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसे उदाहरण है जो कि भारतीय जनता पार्टी हर को सम्मान देती है, सभी लोगों के साथ सबका साथ सबके विकास वाला यह स्लोगन था आज फिर से एक बार पुनः साबित हुआ है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी कई बार ऐसे सम्मान के साथ कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया है और आज पुनः फिर फिरोजाबाद की जनता को एक बार सम्मान दिया है। 2014 में बीजेपी ने बहुमत से जीत हासिल की थी, 2019 में आप कैसा लगता है कि जीत हासिल होगी? भारतीय जनता पार्टी 2014 में जिस तरीके से जीती थी, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी उससे भी अधिक सीटों से जीतेगी, क्योंकि ये चुनाव आम चुनाव नहीं, ये चुनाव देश का चुनाव है, भारत का चुनाव है। भारत को इस समय एक ऐसे चौकीदार की ज़रूरत है जो चौकन्ना हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चौकन्ना है और भारतीय जनता पार्टी को हर युवा, हर वर्ग, हर जाति, हर समाज का वोट मिलेगा और एक ऐसी जीत हम दर्ज करेंगे कि शायद इतिहास बन जाएगा इस बार। में उनसे किस तरह मुकाबला होगा, क्या क्या रणनीति है? बड़ा आसानी से हम चुनाव लड़ लेंगे क्योंकि तो हमारा संगठन सबल है और वो हर मोर्चे को जवाब देगा। डॉक्टर साहब, भाजपा ने आपको एंड वक्त पे टिकट दी है, आपको तैयारियां थी क्या पहले से? आप कैसे थे? जो अनुमान था कि तैयारी पूरी नहीं थी, कुछ पार्टियां पिछले महीनों से तैयारियों में जुटी हैं और आपको एन वक्त पर टिकट मिली, आप कैसे फाइट करेंगे? ये पार्टी का सोच है, पार्टी की टिकट होती है लेकिन कुछ भी हो समय बहुत है, इतने समय में ही मैं पार्टी का काम करूंगा और जीत दिखाऊंगा।